पुत्रासो यत्रा पिता भवन्ति मान मदीयारीखतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता। हरिः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अतिब्रह्मोति प्रारार्धे श्रीश्रीद्वाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिपथमचरणे जम्बूदीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे श्री अयोध्यायां ब्रह्मानत्तीर्थे नरनाम संवत्सरे मासानाम उत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपर चतुर्दश्यां तिथौ शुभवासरे शनिवासरे शूलक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुभरात्रे सूर्ये चंद्रे देवगुरौ शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सुपृथौ नामाहम गोत्रः अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र लेंगे। भगवती सरयू कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थे भगवती सरयू आर्तिक्यं संकल्पम् अहम् करिष्ये। जाग्रतमोदयते ॐ जल रूपेण ब्रह्मैव सर्यो मोक्षदा सदा नात्रो भोग कर्माणि रामरूपो भवेन्नरः। भगवते श्री सर्वू देव्ये नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ जोड़ के माँ सर्यू से प्रार्थना कर ले। नमस्ते सर्यू देवी वासिष्ठ तने शुभे ब्रह्मादि सकलै देवै ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा तुम सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरै मानसा च समायाते जगतां पापहारिणीं अस्मतां पश्यतां देवी पापनाशे पठीयसे जे पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा अस्तन पानन्नते मातु करिष्यन्ति कदाचन ममोपिवृद्धिमन्मान्यै मान्ता सदा शुभे त्वत्तीरे मरणे नैव त्वन्नाम रटनेन च जे तिरन्तरुं देवी ते कृतार्थान संशयः त्वं तु नेत्रोद्धवा देवी हरे नारायणस्य हि महिमा तौ देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहो तत्र काहि मनः शक्ति अस्तौ निर्मानुष च तत्तीरे सत्तीर्थानि न्यूषं चतुर्युगे नमो देवि नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम बंदर्चार ओम नित्य जाये च विद्महे श्री वासिष्ठे धीमहे तन्नो सर्वोजोत्यात् हे सर्वो मया की जय। भगवान की जय। उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे ओम आनो भद्राः क्रतावो यान्तो विश्वातो दधातो अपरिता Thank you.
कैसे अयोध्यापुरी में प्रकट हुई माता, प्रकट हुई माता। ऋषि मुनि सब गावे, ऋषि मुनि सब गावे माँ तेरी गाथा। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, बाल से तर जाता। ओम जय सरयू से विष्णु हर्षाए, विष्णु हर्षाए। प्रेम अश्रु नैनों से, प्रभु के भर आए। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय। माता, मैया जय सरयू माता।
आरती पूरी हो चुकी है और अब माननीय मुख्यमंत्री राम की पैड़ी के मुख्य मंच की तरफ बढ़ चुके हैं। और आपको बताऊं कि आज का जो ऐतिहासिक क्षण है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का 21 लाख दियों का, उसकी गिनती शुरू हो गई है, गिनतियां शुरू हो गई हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के पथ पर हम सब अग्रसर हैं। 21 लाख दियों का लक्ष्य है जलने का। और दर्शकों, बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, बड़ा ही दिव्य अनुभूति हो रही है। हम सबको लग रहा है कि हम एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में, अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। और दर्शकों, अब माननीय मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर आ गए हैं, चलिए आपको लेकर चलते हैं। आप सबका सम्मान, आप सबका आदर। पर विराजमान है I again welcome all the respected delegates from different countries sitting on the dais. पूरी अयोध्या की ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी का मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपका। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका भी स्वागत है, समस्त गणमान्यों का स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ लगभग 52 देशों से पधारे हमारे डेलीगेट्स, हमारे राजनयिक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे इस सुंदर सशक्त मंच का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के वंदन के लिए असंख्य दीपों से जगमगा रही है। राम की पैड़ी सहित अयोध्या नगरी में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और वॉलंटियर ने मिलकर ये झिलमिल इतिहास रचा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी से तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया एक पावन दीपक जलाकर इस संध्या का शुभारंभ करें। और सभी मंचासीन राजनयिक अतिथियों से अनुरोध है कि वे अपने करकमलों से इन दीपों को प्रज्वलित करें। I request all the respected delegates from different countries to please light the lamps on dais. From Argentina, from Armenia, South countries ke naam le,
बाद में बुलाने के लिए उसके बाद ये मैसेज दीजिए कि ये कर लेंगे बाद में बस ये जी तो एक सब लोग आने जी 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 मैं नाम ले सकती हूँ कंट्रीज से नाम ले सकते हैं ये पता नहीं है ना उनको कोई डिलीवरी हमारे बीच में हमारे मंच पर माननीय राज्यपाल महोदया जी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे अति आदरणीय माननीय मंत्रीगण माननीय पर्यटन मंत्री माननीय मंत्री श्री राजकेश सचान जी हमारे डेलीगेट्स विभिन्न देशों से पधारे हुए दीप प्रज्वलन के बाद कृपया अपना स्थान लें और बाकी के पंक्ति में जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो कृपया आए I request all the delegates to please come in front of the dais and light the lamps. And I request please take the seats after lighting the lamps. I request those delegates who has already enlightened the lamps please take your seats back. I again request the rest delegates from different countries please come in front of the dais and light the lamps. ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा आप देख सकते हैं कि असंख्य दीपक हमारे विभिन्न देशों से पधारे राजनयिकों के हाथों से जल रहे हैं ये हमारी परंपरा का विस्तार है ये हमारी संस्कृति का विस्तार है I request the rest delegates who has left for the thank you so much thank you please come in front of the dais and light the lamps thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप सभी का कि आपने इस प्रकाशोत्सव में अपना एक दीपक जलाकर इसकी भव्यता को बहुगुणित किया है हम सबको अनुग्रहित किया है हम सभी हमारे जितने भी डेलीगेट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जो ये जगमग अयोध्या है इसमें आपने भी एक दीपक जलाकर इसकी दिव्यता को एक नया आयाम दिया है पूरी अयोध्या नगरी पूरा उत्तर प्रदेश आज आलाहित है उत्साहित है मैं अनुरोध करूंगी सभी से कि एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी डेलीगेट्स के लिए बजा दी जाए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सभी वॉलेंटियर से अनुरोध है कि वो कृपया पीछे हो जाएं, अपना स्थान खाली कर दें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम हमारे बीच है जो कि अयोध्या में जगमगाते इन असंख्य दीपों की गणना को तैयार है ड्रोन के माध्यम से इन दीपकों की गणना होनी है आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें और अनुरोध करूंगी कि कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाए ये जगमग अयोध्या ये सुंदर अयोध्या ऐसी सुंदर छटा अभूतपूर्व है भगवान श्री राम के आगमन की ये तैयारी पावन पुनीत नगरी श्री अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के स्वागत में भव्य दीपोत्सव से आनंदित है प्रफुल्लित है आइए इस भव्य दीपोत्सव पर प्रभु श्री राम की दिव्य महिमा से हम सब अनुग्रहित हो जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे बह सरजू पावनी, जा मज जनते बिनही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन बृष्टि झरी लाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाह जाई। नर नारी हर्षित प्रजा अवधपुरी सारी, राजाभिषेक की है तैयारी। शुभ दिन मंगल है आज, सुमंगल बाजन अवध के राजा होंगे राम, अवध चन दो शपथ धराई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय कर वचन जाय। कैसी घटा नगर भर छाई, अवध अनाथ कर गए रघुराई। अवधपुर आकुल, जीतो उसके राम में अटके, सीता सहजो वन में भटके।
चले राम मुनि आज्ञा पाई, आगे पंचवटी नियर आई, तट गोदावरी सुंदर भूमि पाई, सिया राम बसे शिव गुहराई। अभिलाषा हिरण पीछे राम चली धावा। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, लखन लखन सुन अनुज कुलाए, मन अति द्वंद लखन घिर आए। सीता रक्षा करने हेतु लखन गए खींचे घरे, मिटे जुनियती का ले। साधु रूप धरि आया घर, जिया हृदय भय उठा समंदर। समझ न पाई, लांग लक्ष्मण रेखा वो बाहर आई। अवसर हीता के लंकेश, त्याग कपट रूप साधु भेषा, हर सीता रथ गगन दौड़ाई। रुंदन सुन धरती रक्षा करे। काली घटा अशुभ घड़िया, सीता हरण दुख गिरे। अब
अवध हृदय एक हूक उठे है, राघव क्या किसी दुख में घिरे हैं? स्वामी जो तीन लोक के स्वयं हैं, नियति क्यों उनको परखे है? छत चले लता तरुपाती, एक खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। यही विधि हनुमत मिले रघुनाथा, चरण राम धरे पवन सुतमा था। वानर आया रावण को यह नहीं सुहाया, पूछ जलाकर दंड दो रावण का आदेश हुआ। जो भक्त हो श्री राम का उसे भय कहां किसी बात की, बजरंग विद्युत बन गए लंका जली लंकेश की, हो गया जल गया अभिमान भी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया क्यों फिर भी बची थी, लिखा था यही नाम कुटिया के ऊपर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,
मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। शिला पर राम नाम एक प्यारा, समुद्र पर सेतु बना एक न्यारा, राम की महिमा बड़ी है न्यारी, पहुंची लंका सेना भारी, राम की महिमा परंपारी। एक और सत्य का डंका, एक और अधर्म पड़ा है, एक और धर्म ध्वज खड़ा है। हुआ युद्ध घनघोर, राम ने अंत मार दिया, विस्मित देख रहे थे देवगण, रावण का प्राणांत हुआ। हर्ष तो देखो भाई, सीता संग आ रहे रघुराई, वन उपवन सब खिल उठे, सरजू जल निर्मल धार बहे। नगरी न्यारी, हर्षित सगरी प्रजा सुखारी, देव लोक सुख पावे निहारी, राज्य अभिषेक की है तैयारी।
सिया राम मैं सब जग जानी, करा हो प्रणाम जोरी जुगपानी। बोलो सियावर रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण, जो कि अभी हम सब ने देखी 3D होलोग्राफी प्रोजेक्शन मैपिंग और संगीतमय लेजर शो के माध्यम से। अवधपुरी अतिरुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कथा कहा सेवकने बुलाई, प्रथम सखन अनवाऊ जाई। ये सातवां भव्य दीपोत्सव आज यहाँ आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का अवगाहन कराने वाले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर अपने संदेश से हम सबको कृतार्थ करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध होगा कि उस पार जो लोग भी दीपों के बीच में स्वयं स्वयंसेवक पीछे चले जाएं, जिससे मंच पर आए हुए अतिथि दीपों का अवलोकन कर सकें। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा जो लोग बीच बीच में खड़े हो रखे उस पार, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, दीपों का यहां से मंच से अवलोकन सही तरीके से हो सके, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, दुनिया के 54 देशों से आज अयोध्यापुरी में उपस्थित हिज एक्सलेंसीज ऑल एम्बेसडर्स, उपस्थित हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का, दुनिया के 54 देशों से उपस्थित माननीय राजदूतों का और दूतावास के सम्मानित वरिष्ठों का, मैं महानुभावों का, मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अयोध्यापुरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों का, जिनके कारण आज अयोध्या का दीपोत्सव का यह सातवां संस्करण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए स्वयं 54 देशों के राजनयिक, मान्य राजनयिक यहां पर अयोध्या धाम में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या पुरी के निवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या को वैश्विक मान्यता मिलना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है, और दीपावली के अवसर पर यह अवसर, यह आयोजन इसका एक प्रमाण है। दीपावली का आयोजन पूरे भारत के अंदर भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वापसी की स्मृति में मनाया जाता है, और 14 वर्ष के उन वनवास कालखंड में केवल वन्य जीवन का भ्रमण ही भगवान राम ने नहीं किया था, बल्कि एक और वन्य क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अभय प्रदान करना, तो दूसरी ओर नकारात्मक ताकतों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वथा अंत करने का जो संकल्प प्रभु श्री राम ने लिया था,
उस संकल्प की पूर्ति के फलस्वरूप अयोध्या आगमन राम राज्य के आधारशिला की शुरुआत थी और संपूर्ण आर्यावर्त में, संपूर्ण भारत में राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो, बल्कि जो भाव प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों के सामने रखा था, सबका साथ सबके विकास का, उसको मूर्त रूप में सबके सामने रखना। और यह भी अयोध्यापुरी के माध्यम से, तब भाइयों बहनों जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और रामलीला स्वयं 500 वर्षों के बाद उसमें विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, इस अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन और भी भव्यता के साथ आज यहां पर आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की, दीपोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी कामना होनी चाहिए कि दीपोत्सव का आयोजन हमारा स्वयं का आयोजन नहीं बनना चाहिए। हर गरीब, हर वंचित, हर उस परिवार के पास हमें पहुंचना है जो किन्हीं कारणों से आयोजन में शरीक नहीं हो पाया है, वहां तक हमारी संवेदना पहुंचे, हमारी भावनाएं पहुंचे, हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों तक भी पहुंच करके इस आयोजन के साथ से भी सरोकार कर पाएंगे। तो भाइयों बहनों, ये आयोजन और भी भव्यता के साथ भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुरूप हम सबको एक नई खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। एक बार फिर से दीपावली की और दीपोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं, खासतौर पर उन स्वयं सेवकों को जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों से लग करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ मिलकर के दीपोत्सव को आज रिकॉर्ड मात्रा में यहां पर प्रज्वलित करने में अपना योगदान किया है। और इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इसका परिणाम आने के पहले मंच पर जो हमारे अतिथि बैठे हैं वे मंच से सामने के दीपों का अवलोकन कर सकें, जो स्वयं सेवक वहां लगे हुए थोड़ा पीछे चले जाएं तो पीछे यहां से मंच से सब दीपों का अवलोकन भी हो पाएगा और आने वाले अतिथियों को इतनी भारी संख्या में दीप का प्रज्वलन होना एक सकारात्मक ऊर्जा की, ऊर्जा से ओतप्रोत होने का एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए, आपकी वाणी के लिए। और अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश पुनः एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। ड्रोन की गणना पूर्ण हो गई है। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर श्री स्वप्निल दंगारीकर तथा कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोड जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस गणना की घोषणा करें। आई रिक्वेस्ट द टीम मेंबर्स ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एजुकेटर मिस्टर स्वप्निल दंगारीकर एंड कंसल्टेंट मिस्टर निश्चल बरोड टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अनाउंस द नंबर्स ऑफ एनलाइटेंड लैम्स। Thank you. I'm glad to be present in front of everyone. This is a record which is happening year on year, and I've seen this happening many times. This is a record for the largest display of oil lamps. The number that you had to beat was 18,81,000 plus lamps. You have broken this by a big margin. We have finished the count of about 22,23,000, and this makes it officially amazing and a new Guinness World Records title. Congratulations to all of you, and now I'd like to present the official certificate to make this occasion even better. Thank you. और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट
माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। एक बार पुनः इस मंच से इतिहास रचा गया है। ये प्रमाण पत्र आप सबके नाम, रात्रि के ललाट पर रश्मियों का विस्तार, नव्य अयोध्या के दिव्य उत्सव से आओ करें साक्षात्कार, आओ करें साक्षात्कार। और आप सबको एक बार पुनः बता दो कि आज 22,23,000 दीपों का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां से बना है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22,23,000 लैंप्स और दियास आर एनलाइटेड टुडे ऑन द अकेशन ऑफ दीपोत्सव 2023। और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा इस मंच के माध्यम से की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी बैठे रहेंगे, लेकिन इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदया, समस्त मंचासीन अतिथिगण यहां से आतिशबाजी के अवलोकनार्थ जा रहे हैं। आप सभी के अवलोकन के लिए बता दो कि आप सभी यहीं से बैठ के आतिशबाजी देखें और एक बार पुनः लेजर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी व्यवस्था को बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहें, यहीं से इस भव्य आतिशबाजी को देखें और आनंदित हों। एक बार पुनः बता दूं कि एक बार आज फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और आप सबको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम हृदय से आभारी हैं पर्यटन विभाग के, हमारे प्रशासन के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप सबका इस मंच के माध्यम से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज जो दीप जले हैं वो है कि दीप जले हैं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जला है अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाए चहुओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, रवधपुरी रघुनंदन आए घर घर नारी मंगल गाए। और आप सबने ये असंख्य दीप जलाए, 22,23,000 दीप आप सबने जलाए हैं। जोरदार तालियां आप सबके लिए, पर्यटन विभाग के लिए, प्रशासन के लिए। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, अभी भव्य आतिशबाजी आप सब अपने स्थान से ही बैठ के ठीक प्रकार से देख पाएंगे। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। ये भी एक सुंदर और अनूठा समय है, सुंदर और अनूठा प्रयोग है, अभूतपूर्व है, अलौकिक है। अचानक इन्होंने बोला, अंग्रेजी भी बोली, बड़ा स्क्रिप्टेड में, लेकिन ठीक है, संभल गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे पता है कि आप सब आनंदित हैं, ऊर्जित हैं, उत्साहित हैं। एक बार पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। इस पावन पुनीत नगरी श्री अयोध्या जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां सीता के आगमन में, स्वागत में भव्य दीपोत्सव से आनंदित हैं, आज चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और भगवान श्री राम के आगमन के अवसर पर इसके शुभ उपलक्ष्य में सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन अभी होना है। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने स्थान पर बैठकर इस सुंदर आतिशबाजी का, इस भव्य आतिशबाजी का आनंद लें।
आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, व्यवस्था बनाए रखें। बस कुछ ही क्षणों में इस सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। अपने स्थान पर बैठकर ही इसका आनंद लें। अयोध्या अलौकित है असंख्य दीपों से, और आज हमने पुनः एक बार विश्व कीर्तिमान बनाया है। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, दूर कुछ भी नहीं केवल समर्पण चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का, लगन का, समर्पण का जो फल मिला है, आप सबको बताऊं कि आज इतिहास रचा जा चुका है। पहले तो लक्ष्य था 21 लाख दिए जलाने का, और अब वो 22,23,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। और इसका जश्न मनाने के लिए थोड़ी देर में आप आतिशबाजी का लुत्फ उठाएंगे। विहंगम दृश्य, दिव्य अलौकिक अनुभूति। जी जितेश जी, ये विहंगम दृश्य है, ये राम की पैड़ी अयोध्या का विहंगम दृश्य देखते ही नहीं बनता। मैं आज आभार व्यक्त करूंगा आपका और आपके टीम का, जिन्होंने मुझे बुलाया है इस कार्य हेतु। और मैं बताऊं कि ये आतिशबाजी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। दीपावली में आतिशबाजी करना एक पुराना इतिहास है। कुछ इतिहासकार मोहन जोदड़ों की खुदाई में कुछ कलाकृतियां मिली हैं जिसमें दीपावली और आतिशबाजी का प्रयोग दिखाया है। देखने मादे की अब आतिशबाजी धीरे धीरे शुरू होगी। यहाँ का ये विहंगम दृश्य देखते ही नहीं बनता है। देखिए जितेश जी, ये जो अपना राम की पैड़ी है, ये कैसा अलौकिक दृश्य है, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है। जो हमारी जनता है, वॉलंटियर्स हैं, आज पूरे मतलब इतना आनंद उनको आ रहा है, इतने खुश हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, उनका जो प्रयास है आज सफल हुआ है। जी जितेश जी, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरणाम, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणाम, श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसे प्रभु राम के कृपा के बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था। देखिए मंच के इधर आतिशबाजी शुरू हो गई, एक अलौकिक दशा, अलौकिक स्थिति, पूरी छटा बिखेर रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न रंगों की ये आतिशबाजी देखते ही बनती है। दोस्तों आज दीपोत्सव 2023 में इतिहास रचा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का अथक प्रयास, मेहनत, सभी हजारों वॉलंटियर्स का समर्पण, सभी श्रद्धालुओं की आस्था, प्रेम, विश्वास आज मूर्ति रूप ले रहा है। भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। पूरा आसमान छा गया है रोशनी से। और दोस्तों ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत से जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो पूरे अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। विहंगम दृश्य है, अलौकिक अनुभूति। और दर्शकों, जितेश जी जहां तक इतिहास के बारे में बताएं,
2017 से लेके 2023 तक जितना भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, हमेशा उससे ज्यादा ही दीपक जले हैं। जैसे इस बार का लक्ष्य अगर हम लोग 21 लाख का लिए थे, तो देखिए भगवान राम की कृपा से 22,23,000 दिया जलाने में हम सफल हुए हैं। ये बिना भगवान राम के कृपा के संभव नहीं था। विहंगम दृश्य देखिए, आसमान में बहुत तरीके की रोशनी से नहाया अपना आसमान। ऐसा लग रहा है त्रेता युग में भगवान राम के आने से ये प्रसन्नता है, चारों तरफ उत्साह। जी हाँ, बहुत बेहतरीन ये नजारा है। एक के बाद एक आतिशबाजियां, सुंदर सुंदर आतिशबाजियां, और ये विहंगम अलौकिक दृश्य बहुत बेहतरीन। ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार आज दीपोत्सव मना रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। दिव्य अनुभूति, हर तरफ रोशनी, सभी की निगाहें आसमान पर। एक के बाद एक बेहतरीन आतिशबाजियों का प्रदर्शन। ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की बारिश हो रही है। हर तरफ से प्रभु श्री राम की कृपा चारों तरफ बरस रही है। अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय। इस चकाचौंध से पूरा विश्व प्रकाशित हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये उत्सव है प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद उनकी नगरी राम नगरी अयोध्या नगरी लौटने का। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और सत्य की जीत है, धर्म की जीत है, यह जीत है विश्वास की। पूरा आसमान रोशनी से भरा हुआ है, पूरा संसार रोशनी से नहा रहा है। बेहतरीन नमूना, बेहतरीन प्रदर्शन आतिशबाजियों का। सबकी निगाहें आसमान की ओर, सब टकटकी बांधे आसमान पर देख रहे हैं कि ऐसे ही ऊंचाइयों पर जाकर हम सबको, पूरे विश्व को प्रकाशित करना है। अद्भुत, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग आयाम में हम सब पहुंच गए हैं। बेहतरीन, यह अनुभव ऐसा है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। प्रभु राम की कृपा अगर बरस रही है तो हर तरफ से खुशियां ही खुशियां। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी दर्शक आनंद उठाएं इस बेहतरीन आतिशबाजी का। ये होता है मौका मेहनत के जश्न का, सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, सच्ची नियत से पाई सफलता के जश्न का। नीला, पीला, लाल, गुलाबी रंग चारों तरफ बिखरा हुआ है।
सभी दर्शक इस अद्भुत आतिशबाजी का आनंद उठाते हुए। पूरा आसमान रोशन हो चुका है, इतिहास रचा जा चुका है। हर तरफ खुशियों की बारिश हो रही है, उमंगों की बारिश हो रही है, उल्लास की बारिश हो रही है, उत्साह की बारिश हो रही है। आसमान तो इस बेहतरीन आतिशबाजी से रोशन हो रहा है और मां सरयू के पवित्र जल में इसका प्रतिबिंब अद्भुत। एक के बाद एक बेहतरीन आतिशबाजियों का प्रदर्शन। दर्शकों आसमान में जैसे एक सितारा चमक रहा है और जहां वो अस्त हो रहा है हजारों सितारे और चमकने लग रहे हैं। ये जीवन को दर्शाता है कि जीवन का अंत नहीं, ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बेहतरीन नातिशबाजियों का प्रदर्शन। इतने सारे चिंगारियों के फूल आसमान में, रंग बिरंगे, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के, मगर खुशियों के फूल आसमान में। नजर आसमान से हट नहीं रही है, इस क्षण का आनंद लेते हुए सभी अपने दिल में इस अद्भुत क्षण को कैद कर लेने चाह रहे हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कान, एक के बाद